हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान देने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं और ये एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। तो जानते हैं इनसे जुड़ी और भी कई सारे बातें। सो लेट अस स्टार्ट। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी माताजी का नाम शारदा देवी था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री टैगोर जी सहज ही कला के कई स्वरूपों की ओर आकर्षित हुए, जैसे साहित्य, कविता, नृत्य और संगीत के प्रति इनका काफ़ी लगाव था। दुनिया के समकालीन सांस्कृतिक रुझान से वे भली भांति अवगत थे। 60 के दशक के साथ टैगोर जी ने चित्रकला की तरफ ध्यान दिया। यह उनके कवित्व सजगता का विस्तार था। हालांकि उन्हें कला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, टैगोर जी को आधुनिक, पाश्चात्य, पुरातन एवं बाल्य कला जैसे दृश्य कला विभिन्न स्वरूपों की उन्हें गहरी समझ थी। रविंद्रनाथ टैगोर की स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई थी। टैगोर जी के पिताजी उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें 1878 में इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में उन्होंने ब्रिडजोन पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन रविंद्र जी 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए, क्योंकि रविंद्र जी का बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने का शौक था। उन्हें अपने मन के भावों को कागज़ पर उतारना पसंद था। और जब रविंद्र जी स्वदेश वापस लौट आए, तब 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह कर दिया गया और उन पर घर परिवार की जिम्मेदारियां डाल दी गई। रविंद्र जी को प्रकृति से बहुत लगाव था और वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे। भारत वापस आकर इन्होंने लिखने का काम प्रारंभ कर दिया। अब जानते हैं रविंद्र जी के साहित्यिक जीवन के बारे में। रविंद्र जी के बचपन से ही लोगों को उनकी कविता, छंद और भाषा की अद्भुत प्रतिभा का आभास होने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में ही लिखी थी और सन 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर जी ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रावृत्त, नाटक और हजारों गाने भी लिखे हैं। वे ज़्यादातर अपनी पद्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय रही हैं। इन्होंने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिक से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत वास्तविकता की प्रकृति पर नोट के बाद एक परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया है। रविंद्र जी एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्हीं की रचनाएं हैं। और भी इनकी काफ़ी प्रचलित रचनाएं हैं, जिनमें गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु, भोलानाथ, बहुरानी, गौरा, काबुलीवाला, वनवाड़ी, महुआ, कड़िका इत्यादि हैं। टैगोर जी की कई चित्रकला भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें कई बेहद काल्पनिक एवं विचित्र जानवरों, मुखौटों, रहस्यमयी चेहरों, चिड़ियों और फूलों के चित्र हैं। 1901 में टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की और यहीं स्थायी रूप से रहने लगे। और 1921 में यह विश्व भारतीय विश्वविद्यालय बन गया।
और 1902 के आसपास उनके पत्नी और दो बच्चों की मृत्यु हो गई, जिससे उपजा गहरा दुख उनके बाद की कविताओं में दिखता है, जो पश्चिमी जगत में गीतांजलि सॉन्ग ऑफ रिंग के नाम से प्रचलित है। टैगोर जी को गीतांजलि समेत बांग्ला काव्य संग्रहालयों से ली गई कविताओं के अंग्रेजी गद्यानुवाद की इस पुस्तक की W.B. येट्स और आंद्रे जिद ने प्रशंसा की और इसके लिए टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और फिर 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and comment.